नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 85 अमित कुमार के साथ। बिहार पंचायत चुनाव के 9वें चरण में होने वाले मतदान के मद्देनजर दिनारा प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों के लिए 6 दिनों तक चले नामांकन प्रक्रिया में 2550 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। इन सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल व स्क्रूटनी का कार्य आज दिनांक 1 नवंबर 2021 दिन सोमवार को किया गया। स्क्रूटनी के पश्चात प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार दास ने बताया कि सभी 2550 प्रत्याशियों में से एक पंचायत समिति पद के प्रत्याशी का नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया है। इस तरह 2549 अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र वैध पाया गया है। आरओ ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के हरिवंशपुर पंचायत के बीडीसी प्रत्याशी विनोद महतो का नामांकन पत्र अस्वीकृत किया गया है, क्योंकि अभ्यर्थी विनोद महतो को वार्ड संख्या 414/99 के मामले में एडीजे 7 सासाराम रोहतास के न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सभी का आवेदन नामांकन पत्र स्वीकृत कर लिया गया। सैसर पंचायत के समिति के सदस्य के लिए 8 व्यक्तियों ने नामांकन दायर किया है, सभी नामांकन पत्र स्वीकृत कर लिया गया। सैसर पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए वार्ड संख्या 1 में 4, 2 में 2, 3 में 6, 4 में 4, 5 में 6, 6 में 4, 7 में 5, 8 में 7, 9 में 7, 10 में 3, 11 में 3, 12 में 6, 13 में 3 व्यक्तियों ने ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए नामांकन दायर किया है। सभी का नामांकन स्वीकृत हो गया है। उसी प्रकार जिन व्यक्तियों ने सैसर पंचायत के लिए नामांकन किया है, सभी का नामांकन स्वीकृत हो गया है। इस प्रकार सैसर पंचायत के लिए धन्यवाद। रोहतास की हर लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आवाज 85 को और हमारी फेसबुक पेज आवाज 85 को लाइक एंड फॉलो करें। यदि आप इस न्यूज को हमारे यूट्यूब चैनल आवाज 85 से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो लाइक फॉलो एंड शेयर करें।